Hello everyone, Rahul Sharma this side from Equity 99. My dear subscribers, followers and my friends, a very great day to all of you and to your family. दोस्तों, ये है डेली मार्केट आउटलुक एंड इम्पोर्टेंट स्टॉक्स फ्रॉम इक्विटी 99. मैं राहुल शर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ. दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स के बारे में. तो देखिए, निफ्टी लेवल्स में निफ्टी कैश में जो लास्ट क्लोजिंग मैंने ली है हमें 21 सितंबर को वो थी 11,250.55, और ये जो लेवल था ये काफ़ी ड्रास्टिक हमें एक डाउनसाइड रैली देखने को मिली है 21 सितंबर को. ग्लोबल मार्केट में बहुत नेगेटिव न्यूज़ थी, यूरोपियन मार्केट के साइड से भी काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आई थी, उसके कारण ये इम्पैक्ट पड़ा. और अब 11,135 का जो लेवल है वो सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट है. अब 11,135 के अगर नीचे जाती है निफ्टी तो आप समझिए कि 11,018 से लेकर 10,701 के लेवल्स तक आपको नीचे की तरफ जाती हुई दिखेगी निफ्टी. अब बात करते हैं अपर साइड में, तो 11,451 का जो लेवल है वो सबसे पहला रेजिस्टेंस पॉइंट है या हर्डल जोन बोल सकते हैं. इसके क्रॉस ओवर होने के बाद में, मतलब इसके लेवल के ऊपर जब अगर निफ्टी जाती है तो उसमें 11,651 से लेके 11,968 तक के लेवल्स आपको आते हुए देखेंगे निफ्टी के अंदर. बात करते हैं अब बैंक निफ्टी के बारे में. तो देखिए, बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो इस तरीके से हैं कि लास्ट क्लोजिंग मिली है 21,366 पे. अब 21,061 का जो लेवल है वो सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट है, क्रूशल पॉइंट है. अगर ये लेवल बैंक निफ्टी तोड़ के और नीचे जाती है तो 20,755 से लेके 19,930 तक के लेवल्स तक ये जाती हुई दिखेगी. सिमिलरली अपर साइड में अगर बात करूँ तो 21,885 का जो लेवल है वो पहला हर्डल पॉइंट है या रेजिस्टेंस पॉइंट बोल सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए. और अगर ये लेवल तोड़ के अगर बैंक निफ्टी और ऊपर जाती है, क्रॉसओवर बनाती है, तो 22,404 से लेके 23,239 के लेवल तक आपको बैंक निफ्टी जाती हुई दिखेगी. ये थे बैंक निफ्टी और निफ्टी के सपोर्ट पॉइंट्स एंड रेजिस्टेंस पॉइंट. दोस्तों, आपको मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना है. वॉलीटिलिटी बरकरार है, ग्लोबल मार्केट में काफ़ी नेगेटिव मार्केट की क्लोजिंग मिली है. US मार्केट्स भी आप समझिए, जो डाउ है वो काफ़ी तेज़ गिरा, नैसडैक भी गिरा था बट वो लास्ट में कवर हो गया है. हमें ऐसा लगता है कि कल भी काफ़ी वॉलीटिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी. तो हम चाहते हैं कि आप बहुत ही कॉशियस रह के ट्रेड करें, संभल के ट्रेड करें. अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो आप प्लीज़ स्टॉप लॉस पे आप अपना एग्ज़िट बनाएं, और जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं वो एंट्री लें हर उन डिक्लाइन पे जिनमें वो उन्होंने स्टॉक ख़रीद के रखा है, उनकी डिप्स में आप बाइंग करें. आपको थोड़े ही दिनों में आपको मार्केट आपके दोबारा रेट्स जो हैं वो आते हुए देखेंगे, बट अभी वॉलीटिलिटी जो है मार्केट में बरकरार रहेगी. तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ से निवेश करते चलें. हम आज कोई भी इस वीडियो में कोई भी स्टॉक रेकमेंड नहीं कर रहे हैं. कल की मार्केट कंडीशन देखनी पड़ेगी, SGX निफ्टी की ओपनिंग पोजीशन देखनी पड़ेगी, उस हिसाब से हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको जो स्टॉक होंगे दिन भर के वो बताएंगे, तो आप वहां जाके हमें फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. दिस वॉज राहुल शर्मा फ्रॉम इक्विटी 99.